शहनाज और सिद्धार्थ के गाने पर अब आया है पारस छाबड़ा का रिएक्शन। शहनाज और सिद्धार्थ के गाने का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। पहले पोस्टर को देखकर जहां सभी सेलेब्स इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं अब पारस छाबड़ा ने इन दोनों की केमिस्ट्री पर दे दिया है अपना बयान। सोर्सेस की माने तो जब एक इंटरव्यू के दौरान पारस छाबड़ा से शहनाज और सिद्धार्थ के इस पोस्टर पर सवाल किया गया तो उन्होंने काफी गोलमोल जवाब दिए। हालांकि इस केमिस्ट्री पर उन्होंने ज्यादा नहीं कुछ बोला, बस उनका सिर्फ ये कहना था कि जो जनता कह रही है वही सच है। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ये दोनों केमिस्ट्री शानदार लग रही है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बोला वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि शहनाज और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ तो अच्छे लगते ही हैं, बिग बॉस के घर के अंदर भी दोनों काफी अच्छे लग रहे थे और अब जब वो बाहर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो जाहिर तौर पर उनकी केमिस्ट्री तो देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोर्सेस की माने तो पारस छाबड़ा ने कहा शहनाज गिल काफी ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला से अटैच्ड हैं और वो इस गाने में बखूबी देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ की तरफ से ये बिल्कुल नॉर्मल सा था। वेल, आप सब जानते हैं कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर पारस छाबड़ा पहले भी कई बार कई बातें बोल चुके हैं। हालांकि पारस छाबड़ा का सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था जब वो घर से बाहर निकल रहे थे। फिनाले के वक्त पारस छाबड़ा को सिद्धार्थ शुक्ला ने बचा भी लिया और उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला और पारस की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो वहीं पर अब मुझसे शादी करोगे में काफी कुछ बोलते नजर आते हैं शहनाज गिल को पारस छाबड़ा। पारस छाबड़ा ने शहनाज गिल को यहां तक बोल दिया कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के बिना कुछ नहीं है और अब तो उन्होंने एक और बड़ी बात शहनाज गिल को लेकर बोली। उन्होंने कहा है कि शहनाज सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला करती रहती है, वो शो की इम्पोर्टेंस नहीं समझती है। पर अब उन्होंने शहनाज के गाने पर ये रिएक्शन दिया है। सोर्सेस की माने तो उनका कहना है कि जो जनता को सही लगे वही सही है। यानी कि पारस छाबड़ा ने ये डायरेक्ट नहीं बोला कि उनकी केमिस्ट्री उन्हें बेहद पसंद आ रही है, क्योंकि बारिश पर शहनाज और सिद्धार्थ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। ये भी हो सकता है कि इसी वजह से पारस छाबड़ा ने शहनाज के इस गाने के पहले पोस्टर पर कुछ ज्यादा नहीं बोला हो। फिलहाल क्या कहना है आप सबका? पारस छाबड़ा ने जिस तरह से इस बात को गोल गोल घुमा दिया, इस पर आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।